शिंदे मोर्चा निकल क्या विषय सर? महानगर पालिका का जो संबंध है हमारे नागपुर शहर की जनता से, आप पिछले दिनों देख रहे हैं अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई हो रही है। नागपुर शहर के सारे दुकानों के आगे के शेड तोड़ने का काम महानगर पालिका ने चालू किया है। मुझे लगता है कि इस नागपुर शहर में कई व्यापारी है जो अपने यहाँ आने वाले ग्राहक की सुविधा के लिए, धूप से बचाव के लिए, पानी के बचाव से लिए आगे में शेड डालते हैं, और इस दिनों महानगर पालिका का तोड़ू दस्ता धड़ल्ले से जेसीपी ले जाकर वहाँ नुकसान पहुँचा रहा है और उन व्यापारियों के शेड तोड़ रहा है। मुझे लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा अतिक्रमण नहीं है। नागपुर शहर में बिना मैप के सैंक्शन हुए बड़े बड़े दुकान है, बड़े बड़े शॉप है, मॉल है, जो पार्किंग के जगह में भी बने हुए हैं, ऐसी को तोड़ा नहीं जा रहा। और जो छोटे व्यापारी है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आज बैठा है, उसके दुकान के आगे के शेड तोड़ने का काम इस महानगर पालिका की ओर से चालू है। और मुझे लगता है कि ये महानगर पालिका के तोड़ू दस्ते के अधिकारी ये व्यापारी से बराबर बर्ताव नहीं कर रहे, गैर व्यवहार कर रहे हैं, उनको समय नहीं दे रहे और उनके माल का नुकसान कर रहे हैं, जो कि नागपुर शहर के व्यापारियों से खिलवाड़ है। और इसका निषेध करने के लिए आज हम यहाँ आए। उसी के साथ साथ नागपुर शहर की जो समस्या है, सारे रास्तों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, महानगर पालिका के तरफ से वो गड्ढों के तरफ पलट के भी नहीं देखा जा रहा है। रात दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेट्रो का काम चालू है, सीमेंट रोड का काम चालू है, मगर इस काम के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। आज मेट्रो के जो कंपनियां हैं काम करने वाली, वो मेट्रो की कंपनियां मनमानी कर रही है, नागपुर शहर के जनता को तकलीफ दे रही है। आज आपने देखा होगा जिस रोड पर मेट्रो का काम चालू है, उस रोड पर आज जीना हराम हो गया है लोगों का। कई लोहे के पिलर गिर रहे हैं, कई धूल से जनता परेशान है, मगर ऐसे में किसी का इन लोगों पर नियंत्रण नहीं है। और इसीलिए निषेध मोर्चा का आयोजन किया गया। सीमेंट रास्ते जो नागपुर शहर में सीमेंट रास्ते बने हैं, वह सही में सीमेंट रास्ते बराबर बने हैं कि नहीं, इसकी जांच करना चाहिए। ये सीमेंट रास्ते बनाने वाली कंपनियां कौन, इन कंपनियों को महानगर पालिका के अधिकारी कुछ ऑर्डर दे सकते हैं क्या, और महानगर पालिका के अधिकारियों का ये कुछ सुन सकते हैं क्या, इसकी भी शहनिशा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस रोडों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आज आप जाएंगे तो गाड़ी चलाते वक्त सीमेंट रोड से जाएंगे तो आपको लगता है कि गड्ढे से चल रहा है कि क्या। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जनता का पैसा जो डेवलपमेंट के लिए खर्चा हुआ है, मगर इस खर्चा करते वक्त इस काम के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, और इस अभाव के वजह से सारी नागपुर शहर की जनता त्रस्त है। और इसी के लिए आंदोलन, आज कचरा उठाने वाली जो कंपनी है, वो कंपनी इस महानगर पालिका को सालों साल से लूट रही है और कचरे के ढेर सारे शहर में लग गए हैं। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि महानगर पालिका के जो पदाधिकारी है, जिनका नियंत्रण आयुक्त और सभी अधिकारियों पर रहने को होना, वो पदाधिकारियों का नियंत्रण छूटने के वजह से इस नागपुर शहर की दुर्दशा हो गई है। और मुझे लगता है इसके लिए हम नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से नागपुर शहर की जनता के हित में आज ये आंदोलन कर रहे हैं। एक महानगर पालिका ने जो हाईकोर्ट को लिस्ट दी है जिसमें मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए थे, वो लिस्ट गलत है, ऐसा कुछ कहा गया? नहीं, मुझे लगता है कि ये 1500 की लिस्ट है। इसमें जिस वक्त लिस्ट दी गई थी उस वक्त रास्ते के मंदिर देना था। पब्लिक यूटिलिटी के जगह में अगर 50-60 साल से मंदिर है और वो जगह का यूज ही पब्लिक यूटिलिटी है, तो मंदिर का उपयोग भी वही है। मंदिर में कोई अकेला थोड़ी ना जाता है, या बौद्ध विहार में या मस्जिद में कोई अकेला नहीं जाता है। मुझे लगता है कि नागपुर शहर की जनता से ये अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई जिन्होंने ये लिस्ट देते वक्त गुमराह किया महानगर पालिका को और कोर्ट में लिस्ट दी, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सब के लिए शासन ने स्पेशल लीव पिटीशन डालने को ना, आखिर हाईकोर्ट का आदेश है, मगर शहर में मंदिर तोड़ने वाली यंत्रणा ये महाराष्ट्र शासन की है। और ये महाराष्ट्र शासन की यंत्रणा अगर सरकार हाईकोर्ट को बताए कि ये लोक उपयोगी जगह है, मंदिर भी लोक उपयोगी है, ऐसी दलील रखे, तो मुझे लगता है ये मंदिर, मस्जिद और पूरे बौद्ध विहार बच सकते हैं। मगर इसके पीछे का क्या प्लानिंग है ये हमें मालूम नहीं। मंदिर तोड़ने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी सामने आए मंदिर बचाने के लिए। मुझे लगता है कि रास्ते के मंदिर तोड़ते वक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया, मगर अभी बस्ती बस्ती में जो बड़े बड़े मंदिर है तोड़ने के लिए,
मगर मुझे आज यह बात बहुत बुरी लग रही है कि जिनकी सत्ता है उनको रास्ते पर आना पड़ रहा है। अरे सत्ता पर बैठे हुए ने तो उस पर सुलह निकालने को होना, सुलह करने को होना कि आज अधिकारियों की मीटिंग लेकर बताना चाहिए कि हम हाईकोर्ट को कुछ बताएंगे कि ये लोक उपयोगी जगह है, मगर आज रास्ते पर इनको उतरना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी को भी हम रास्ते पर देख रहे हैं, तो ये जनता ने आज जिनको चुन के दिए वो रास्ते पर आ रहे हैं मगर मंदिर नहीं बचा पा रहे, तो देखना किसके तरफ, यह बहुत बड़ा सवाल आया है। और इसके लिए नागपुर शहर के जनता के साथ कांग्रेस पार्टी है, हम नागपुर शहर के जनता के प्रश्न हर वक्त सामने लाते हैं, इस वक्त भी हम इसको जोर से रखेंगे। मंदिर का नाम